Hello kids, today we are going to discuss something to do of chapter number 11, that is plants. Yesterday I have explained the chapter, now let us do the exercises. So your question number 1 is, look at the given picture and label different parts of the tree. So yahan pe aapko tree ka picture diya hua hai, hame alag alag parts ko label karna hai. Label karna hai yani alag alag parts ke naam batane hai. ओके सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द टॉप. ऊपर से शुरू करते हैं. पत्ते को हम क्या बोलते हैं? लीव्स. एल ई ए वी ई एस, लीव्स. नेक्स्ट इज फ्रूट. फल को क्या बोलते हैं हम? फ्रूट. एफ आर यू आई टी, फ्रूट. पेड़ में जो बहुत सारी डालियां होती है उन्हें हम कहते हैं ब्रांच. क्या कहते हैं? ब्रांच. B R A N C H, ब्रांच. फिर नीचे की तरफ जब हम आते हैं तो जो स्ट्रॉन्ग स्टेम होता है ट्री का, दैट इज कॉल्ड ट्रंक. एंड वॉट इज द स्पेलिंग ऑफ ट्रंक? T R U N K, ट्रंक. और सबसे नीचे होता है पेड़ का जड़, जिसे हम कहते हैं रूट्स. R O O T S, रूट्स. Okay, so dear children, the five main parts of a tree are leaves, fruit, branch, trunk and roots. Now the question number 2 is, choose the correct answer and fill in the blanks. A. Very big plants are called. Jo bahut bade plants hote hain unhe hum kya kehte hain? Climbers or trees? आपको पता है वेरी बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. जो बहुत बड़े प्लांट्स होते हैं उन्हें हम ट्रीज कहते हैं. सेकंड, क्लाइंबर्स हैव अ डैश स्टेम. क्लाइंबर्स का स्टेम कैसा होता है? वीक होता है या स्ट्रॉन्ग होता है? क्लाइंबर्स का स्टेम वीक होता है, कमज़ोर होता है, इसलिए वो अपने आप से खड़े नहीं हो पाते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज वीक. नंबर सी, नीम ट्री हैज़ डैश लीव्स. नीम के पेड़ के पत्ते कैसे होते हैं? बिग या स्मॉल? अगर आपने नीम का पेड़ देखा होगा तो आपको पता होगा नीम ट्री हैज़ स्मॉल लीव्स. नीम के पेड़ के पत्ते छोटे होते हैं. नंबर डी, मोस्टली रूट्स आर डैश द ग्राउंड. ज़्यादातर जो पेड़ का जड़ होता है वो ज़मीन के नीचे होता है या ऊपर होता है? हमें पता है ज़्यादातर पेड़ों के जड़ ज़मीन के अंदर होते हैं. सो द आंसर विल बी अंडर द ग्राउंड. ओके, नंबर ई, वी गेट वुड फ्रॉम. हमें लकड़ियाँ किससे मिलती है? क्रीपर्स से या ट्रीज से? वी नो दैट क्रीपर्स हैव वीक स्टेम. क्रीपर्स का जो स्टेम होता है वो बहुत कमज़ोर होता है, इसीलिए हमें क्रीपर्स से लकड़ियाँ नहीं मिलती है. और ट्रीज़ का जो स्टेम होता है, जो ट्रंक होता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए हमें वुड किससे मिलता है? ट्रीज़ से मिलता है. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज़, अनजम्बल द फॉलोइंग लेटर्स विद द हेल्प ऑफ गिवन क्लूज. तो यहाँ पे देखिए हमें क्लू दिया है और उसका जो आंसर है उसे जम्बल किया हुआ है, मिक्स किया हुआ है, हमें उसे अरेंज करके आंसर बनाना है. तो क्वेश्चन नंबर ए इज, वी गेट देम फ्रॉम प्लांट्स. ये हमें प्लांट्स से मिलता है. प्लांट्स से हमें क्या मिलता है? फ्रूट्स मिलता है. सो द करेक्ट आंसर विल बी फ्रूट्स. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू लर्न द स्पेलिंग ऑफ फ्रूट्स. एफ आर यू आई टी एस, फ्रूट्स. नंबर बी, इट हैज़ बिग लीव्स. हमें पता है किस पेड़ के पत्ते बड़े होते हैं? बनाना. बनाना हैज़ बिग लीव्स. सो द आंसर विल बी बी ए एन ए एन ए, बनाना. नंबर सी, बर्ड्स मेक देयर नेस्ट्स ऑन देम. चिड़िया अपना घोंसला कहाँ पर बनाते हैं? ट्रीज में बनाते हैं. सो द करेक्ट आंसर विल बी टी आर ई ई एस, ट्रीज. दे, नंबर डी, दे कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन. कौन से पौधे हैं जो खुद से खड़े नहीं हो पाते? दे आर क्रीपर्स. C
creepers, creepers. Number E, it is the big and strong stem of the tree. हमें पता है ट्री का जो स्टेम होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और उसे हम क्या कहते हैं, ट्रंक, TRUNK, ट्रंक. ओके, सो यू हैव टू लर्न ऑल दीज स्पेलिंग्स सो दैट यू कैन अरेंज द लेटर्स. नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट द नेम्स ऑफ 5 थिंग्स दैट यू गेट फ्रॉम प्लांट्स. प्लांट्स से मिलने वाले कोई भी 5 चीज़ों के नाम लिखिए. तो आपने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखा होगा, उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी जो हमें प्लांट्स से मिलती है. आप कोई भी 5 चीज़ लिख सकते हैं. तो यहाँ पर मैंने क्या क्या लिखा है, टी यानी चाय जो हम पीते हैं उसकी पत्तियाँ हमें कहाँ से मिलती है, प्लांट्स से मिलती है. सेकेंड, कॉटन, पेड़ से हमें कॉटन मिलता है जिससे हम कपड़े बनाते हैं. सी, फ्रूट्स, जितने भी फल आप खाते हैं वो हमें प्लांट्स से मिलते हैं. डी, मेडिसिंस, जो दवाइयाँ हम खाते हैं जो यूज़ करते हैं वो भी हमें प्लांट्स से मिलते हैं. और वेजिटेबल्स, जितनी भी सब्जियाँ हैं वो भी हमें प्लांट्स से मिलते हैं. ओके, सो माय डियर चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड ऑल द एक्सरसाइज क्वेश्चंस. नाउ नाउ दिस इज़ योर होमवर्क टू कंप्लीट इट इन योर बुक. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.